आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन स्टाइल को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है कस्टमाइजेशन का, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इस पेज में आपको ये लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको इस पेज में ना ये सबसे ऊपर आपके फोन की होम स्क्रीन आपको दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इन्हें नीचे की साइड जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों ऑप्शन का आपको यूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन है ऐप ग्रिड, ऐप ग्रिड के सामने ऑप्शन है ये चार और पांच, तो मेरा पांच में पहले से सिलेक्टेड है। तो पांच का मतलब होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे होम स्क्रीन पे जो एप्स होते हैं ना, एप्स की जो लाइन्स होती है ऊपर से नीचे जो लाइन्स होती है एप्स की, वो मेरे फोन की होम स्क्रीन में पांच लाइन आ जाएंगी, एक दो तीन चार पांच। ये जगह खाली है ना इस वाली होम स्क्रीन पे, यहाँ पर भी एक ऐप की लाइन और आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसे चार पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन जो होती है ना सारी की सारी, उन पे ऐप्स की चार लाइन आ पाएंगी। ये देख सकते हैं एक दो तीन चार, सिर्फ चार लाइन आएंगी। इसका मतलब ये होता है ऐप ग्रिड का। और जो दूसरा ऑप्शन है ऐप लेवल, ऐप लेवल के सामने ये बटन चालू है ना, तो अगर मैं इसे ऑफ करूंगा ना तो इससे क्या होगा, जो मेरे मोबाइल फोन में ऐप आइकन है ना, ऐप आइकन के नीचे जो उनका नाम लिखा होता है, जैसे फ्लिपकार्ट के नीचे फ्लिपकार्ट का नाम लिखा है, तो वो जो नाम लिखा है ना वो हट जाएगा। ये देखिए मैं इसे ऑफ करूंगा तो यहाँ से नाम हट जाएंगे, ये देखिए बिना नाम के ऐप हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है सर्च बार के सामने जो बटन चालू है ना, इसे अगर मैं बंद करूंगा ना, इससे पता है क्या होगा, ये गूगल का जो सर्च बार दिखाई दे रहा है यहां से ये हट जाएगा होम स्क्रीन से। ये देखिए मैं इसे ऑफ करूंगा तो गूगल का सर्च बार हट चुका है। देखिए दोस्तों, जो भी आप चेंजेस इसमें करेंगे ना होम स्क्रीन स्टाइल में, जो भी आप चेंजेस करेंगे उसे आपको अप्लाई पे जरूर सेलेक्ट करना है यहां पे। ठीक है, तभी आपका वो चेंजेस सक्सेसफुल हो पाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है।